अलवर जिले के 4 पुलिस कर्मियों ने खाकी पर बदनामी का दाग लगा दिया है। 3 पुलिस कर्मियों ने एक अन्य साथी युवक के साथ मिलकर गोविंदगढ़ इलाके में राहगीरों को बंधक बना लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं चौथी पुलिसकर्मी परिवादी को डरा धमका कर राजीनामे के लिए दबाव बनाने लगा। इन चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में एक कांस्टेबल सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 29 जुलाई को गोविंदगढ़ थाने में परिवादी साहिल खान ने रिपोर्ट दी कि 27 जुलाई की शाम करीब 6 बजे वह और उसके खालिद बाइक पर सवार होकर चितरेड़ी से गोविंदगढ़ आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में भैंसराबाद मोड़ पर पीछे से एक बोलेरो गाड़ी में 4 व्यक्ति आए, जिन्होंने उन्हें रोका और अपनी गाड़ी में बैठाकर जंगल में ले गए। वहां उनके साथ मारपीट की और 27,000 रुपए छीन लिए, साथ ही 13,000 रुपए ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर कराए। इसके बाद उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए। पुलिस ने घटना के संबंध में 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। बता दें कि पुलिस ने गाड़ी के नंबर और जिस खाते में ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर किए गए उसके बारे में पता लगाया, जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की पहचान हुई। इस पर बुधवार को पुलिस ने लूट के मुख्य आरोपी राहुल खान को गिरफ्तार। मुलाजिम राहुल से पूछताछ में सामने आया कि वारदात में उसके साथ एनईबी थाने के कांस्टेबल अनीस व गंगाराम और शिवाजी पार्क थाने के कांस्टेबल नरेंद्र शामिल थे। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए एक है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर पुलिस विभाग के कोई भी कर्मचारी इस तरह से अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जिस प्रकार हर अपराधी के साथ की जाती है। देखिए, ये गोविंदगढ़ थाने पे 29 जुलाई को हमारे पास एक परिवादी रिपोर्ट लेके आए थे, साहिल नाम के परिवादी, के मैं अपने साले के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो पीछे से एक प्राइवेट गाड़ी में 4 लोग आए, जिन्होंने मुझे रोका, मुझे और मेरे साले को अपने गाड़ी में बिठाया और हमें एक जंगल में ले जाकर हमारे से 27,000 रुपये छीन लिए, हमारे साथ मारपीट की और 13,000 रुपये पेटीएम या फ़ोनपे के मतलब डिजिटल माध्यम से भी मेरे अपने अकाउंट में डलवा के हमें वहाँ जंगल में छोड़ के चले गए। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ, अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ लूट में एक मुकदमा गोविंदगढ़ थाने पे 29 तारीख को ही दर्ज कर लिया गया था। आगे बढ़ते हुए SHO गोविंदगढ़ की टीम ने जो आइडेंटिफाई किया कि जैसे जो गाड़ी नंबर बताया गया और जिस डिजिटल माध्यम से जिसके अकाउंट में पैसे गए, उसमें एक आरोपी का चिन्हित होना हमारे सामने आया जिसका नाम है राहुल। ये राहुल को आज SHO गोविंदगढ़ ने अरेस्ट कर लिया है। ये इसमें मुख्य मुलजिम लूट में था। साथ ही पूछताछ में अभी हमारे पास 3 लोगों के नाम आए हैं जो इस राहुल के साथ इस लूट में इन्वॉल्व थे। ये तीनों अनीस, गंगाराम और नरेंद्र कांस्टेबल के नाम से, जो अलवर पुलिस के कांस्टेबल अनीस और गंगाराम NEB थाने पर पदस्थापित थे और नरेंद्र जो था वो शिवाजी पार्क थाने पे पदस्थापित था। इसके साथ साथ एक और कांस्टेबल रामजीत जो सदर थाने पे पदस्थापित था, उसको आज अरेस्ट किया गया है। उसने परिवादी को डरा धमका के झूठी एविडेंस देने और राजीनामा प्रस्तुत करने का दबाव बनाया था। रामजीत को अरेस्ट किया जा चुका है और इन चारों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए जो इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। ये तीनों मुख्य मुलजिम जो कांस्टेबल भी हैं और जो लूट के मुख्य मुलजिम भी हैं, ये दिनांक 30 तारीख से गैर हाजिर भी चल रहे हैं और आज इनका आइडेंटिफिकेशन होते हुए, लूट में इनका नामजद होते हुए इस मुकदमे में इनको टीम लगा दी गई है, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी मामले में और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए सेम होता है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और अगर ये पुलिस विभाग के कोई कर्मचारी भी इस तरीके से इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके साथ भी निश्चित रूप से उसी तरीके से बिहेव किया जाएगा, उसी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से किसी भी और के साथ की जाती है। तो इसीलिए आज इन चारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर रामजीत को अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी इन तीनों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।